बरसात का मौसम हमारे पौधों पे नई ग्रोथ लेकर आता है, लेकिन उसके साथ कुछ बीमारियां भी हमारे पौधों पे आक्रमण कर देती हैं। नींबू के पौधे पर इस मौसम में लगने वाली सबसे भयंकर बीमारियों में से एक बीमारी का प्रकोप होता है, और आज हम बात करने वाले हैं उसी बीमारी के बारे में। मैं हूं रविंद्र और आप हमारे साथ बने हुए हैं होम गार्डन यूट्यूब पर। फ्रेंड्स, हम आज आपको बताएंगे कि नींबू के पौधे पर जो सबसे भयंकर बीमारी लगती है वो क्या है, उसके लक्षण क्या हैं और उसे कैसे दूर किया जा सकता है। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल को देख रहे हैं तो आपसे निवेदन है कि आप हमें सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिएगा। तो सामने आप हमारा एक नींबू का पौधा देख पा रहे हैं, ये गमले में लगा हुआ है, ये 2 वर्ष का पौधा है और इस पर कुछ फल भी आए हुए हैं, कुछ फ्लावरिंग भी हो रही है। तो दोस्तों, आज मैं जिस रोग के बारे में बात करने वाला हूँ उसे पहले मैं आपको दिखाई देता हूँ। ये देखिए, इसकी पत्तियाँ बाइंड होने लगती हैं, पत्तियों पर इस प्रकार के धब्बे पड़ जाते हैं। ये देखिए, पहले पत्तियों से शुरुआत होती है, उसके बाद इस तरीके की ब्रांचेस होना शुरू हो जाती हैं। ये देखिए, ब्रांचेस के बाद फलों पर भी इसका इफेक्ट आप देख सकते हैं, इस तरह का ये सफ़ेद सा और ये जंग जिसे लगना कहते हैं ये आने लगता है। धीरे धीरे क्या होता है कि ये जो पत्तियां बाइंड हो रही हैं, ये जो नई लीफ हैं, इन पर इसका सबसे ज़्यादा अटैक होता है और इस रोग का नाम है सिट्रस कैंकर। जी हाँ, नींबू वर्ग की ज़्यादातर पौधों में ये रोग आपको देखने को मिल सकता है और नई पत्तियों में तो ये बहुत ज़्यादा अटैक करता है। ये जीवाणु जनित रोग है और एक बार अगर ये हो जाए तो ये बहुत जल्दी आपके पूरे पौधे को कवर कर लेता है। धीरे धीरे पौधे की पत्तियाँ बाइंड होती हैं, येलो होती हैं और पूरा जो पौधे की ग्रोथ है वो रुक जाती है। तो मैं आपको बताऊं कि ये जो रोग है ये हाइब्रिड पौधों पर बहुत जल्दी असर करता है, और ऐसा नहीं है कि इसका उपचार नहीं है, समय रहते अगर इसका उपचार किया जाए तो कोई खास समस्या खड़ी नहीं करेगा, लेकिन अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो फिर आपका पौधा ख़राब होगा, फल भी ख़राब होगा और हो सकता है कि पूरी फसल आपकी ख़राब हो जाए। तो मैंने आपको लक्षण दिखाई दिए हैं कि आपकी पत्तियों पर शुरुआत इस तरीके से होती है। ये देखिए, जैसे माइट का प्रकोप होता है मिर्च वगैरह पर, वैसे ही बिल्कुल पत्तियाँ बाइंड होना, कर्ल होना शुरू हो जाती हैं और कुछ समय बाद इस प्रकार से इन पर जंग जैसा लग जाता है और पीली पीली जो पत्तियाँ पड़ने लगती हैं। तो इनके 2 उपाय हैं, एक ऑर्गेनिक उपाय है और एक केमिकल उपाय है। तो सबसे पहले मैं आपको ऑर्गेनिक उपाय बताऊंगा। इसके लिए आपको क्या करना है कि आपको नीम खली लेनी है, प्योर नीम खली। 50 ग्राम नीम खली आप लगभग 1 लीटर पानी में मिक्स कर लीजिए और 4 से 5 घंटे के लिए उसे छोड़ दीजिए, ऐसे ही पानी में डालकर घोलकर। लगभग जब 5-6 घंटे हो जाएं उसके बाद उसे छानकर और इन पत्तियों पर पूरे पौधे पर स्प्रे कर दीजिए। ये तो आपका ऑर्गेनिक तरीका हो गया। इसके अलावा केमिकल तरीके की बात की जाए तो नीला थोता आपको लेना है और थोड़ा सा बुझा हुआ चूना, जिसे हम सफ़ेदी कहते हैं, घरों में जो पुताई के काम में हम लेते हैं, वो जो पानी में डाल के जब बुझ जाता है उसे सुखाने के बाद, तो आपको 5 भाग लेना है नीला थोता, 5 भाग लेना है आपको अपना बुझा हुआ चूना। दोनों को मिक्स कीजिए और उसे लगभग 50% अलग से पानी में मिक्स कीजिए। अगर मैं ऐसा कहूँ कि आप 1 लीटर पानी में लगभग 5 ग्राम नीला थोता लेना है और 5 ग्राम आपको बुझा हुआ चूना लेना है, मिक्स करके स्प्रे कीजिए, बहुत जल्दी ही आपको ये जो रोग है इससे निजात मिल जाएगी। लेकिन छिड़काव करने से पहले आपको इस प्रकार की जो ब्रांचेस हैं इन्हें बिल्कुल कट कर देना है और इन्हें दूर ले जाकर कहीं मिट्टी में दबा दीजिए या फिर जला दीजिए, जलाना इनके लिए सबसे ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो दोस्तों, ये सामान्य जानकारी थी, लेकिन मैं आपको बताऊं कि नींबू की फसल में ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम देने वाली समस्या है, सबसे ज़्यादा परेशान करने वाली समस्या है। तो हमें उम्मीद है कि आपके पौधे में अगर ये प्रॉब्लम आ रही होगी तो आपको इसका निदान मिल गया होगा। तो धन्यवाद इन्हीं शब्दों के साथ। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो, आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा और अगर चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो धन्यवाद इन्हीं शब्दों के साथ, फिर मुलाकात होगी दोस्तों किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।
रक्षाबंधन की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं।